न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पॉइंट ट्वेंटी टू फिगर थ्री पॉइंट टू फाइव हमारे पास एक फिगर है थ्री पॉइंट टू फाइव गिप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ मीन्स वी टी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अलॉन्ग अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन तो यहाँ तक हमें क्या कहा गया है स्टेटमेंट में कि एक मेरा पार्टिकल है वो एक कॉन्स्टेंट डायरेक्शन में ही मूव करेगा मीन्स वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा वाइल मूविंग सो वन डिमेंशनल मोशन आ गया थ्री इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन यहां पे मेरे पास थ्री इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम शोन है लाइक वन टू थ्री मतलब जो चेंज इन टाइम है वो सभी में कॉन्स्टेंट रहेगा और आप कह सकते हैं इक्वल रहेगा इन विच इंटरवल्स द एवरेज एक्सरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड तो फर्स्ट उन्होंने हमें क्या पूछ लिया कि एवरेज एक्सरेशन ग्रेटेस्ट रहेगी इन मैग्नीट्यूड किस इंटरवल में वन टू या थ्री में इन विच इंटरवल द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट सेकेंड पॉइंट लिया पॉइंट्स कि में वन टू या थ्री इंटरवल में मेरे पास एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट रहेगी चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हमारी कॉन्स्टेंट डायरेक्शन थी उसको हमने पॉजिटिव चूज कर लिया कि जिस मोशन के अकॉर्डिंग वो बढ़ती जाएगी उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे गिव्स द साइंस ऑफ स्पीड एक्सरेशन इन थ्री इंटरवल्स ठीक है थर्ड उसने हमें पूछ लिया कि हमें साइंस देने हैं स्पीड uh, के और एक्सरेशन के इन तीनों इंटरवल में वाट आर द एक्सरेशंस और फोर्थ पॉइंट में उसने हमें क्या पूछ लिया कि वाट आर द एक्सरेशंस एट पॉइंट ए बी सी एंड डी हमें ए पॉइंट दिया हुआ है बी पॉइंट दिया हुआ है सी पॉइंट दिया हुआ है एंड डी पॉइंट दिया हुआ है इसमें हमें एक्सरेशंस बतानी है स्टार्ट so करते हैं फर्स्ट हमें मालूम है एक्सरेशन का फार्मूला अगर एक्सरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम सो यहां पे मुझे क्या पूछा गया एवरी एक्सरेशन इन मैग्नीट्यूड जब यहां पे हम वेलोसिटी लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो सो अब जब इन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो सिर्फ मैं ए लिख रूंगा ए पे अपना वैक्टर नहीं लगाएंगे यारों नहीं लगाएंगे सो so, देखिए मेरा मोशन वन डिमेंशनल है और प्लस एक कंडीशन और दी हुई है कि एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगा मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि मेरी स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी और वेलोसिटी। जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही तो मेरी स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी भी आ जाएगी सो so, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा सीधा कि स्पीड क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं ओवर टाइम क्लियर अब हमें एक्सरेशन इस ग्राफ से कैसे मिलेगी सो so, मेरे पास वर्टिकल एक्सिस में क्या है स्पीड और आप कह सकते हैं भी पर हम मोस्टली स्पीड ही कहेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरे पास क्या गिवन है टाइम सो so, हमें मालूम है स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होता है अगर हम स्लोप की बात करें जैसे हमने डिफाइन किया था सो चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरीजोंटल एक्सिस दिस इज द माय डेफिनेशन ऑफ अ स्लोप अब चेंज इन वर्टिकल एक्सिस मेरे पास चेंज इन वर्टिकल एक्सिस में क्या हो रहा है स्पीड और चेंज इन हॉरीजोंटल में टाइम चेंज हो रहा है सो so, मेरे पास क्या आ गया स्पीड ओवर टाइम तो मतलब इस ग्राफ की स्लोप मुझे एक्सरेशन देगी फदर अगर हम स्लोप के कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं सो so, दिस इज माई कंसेप्ट ऑफ स्लोप की स्लोप होता क्या है हम इसे डी एक्स बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं अगर मेरे पास पॉइंट्स में वेरिएशन बहुत कम हो मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन में चेंज बहुत कम हो तो हम इसे डी एक्स बाई डी टी से भी फाइंड कर लेते हैं सो दिस इज आवर कंसेप्ट ऑफ स्लोप यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अब हमारे पास चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे स्पीड uh, में सो वी टू माइनस वी वन मतलब यहाँ वी टू का क्या मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी और वी वन इनिशियल वेलोसिटी ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम तो ये मुझे स्लोप दे देगी जिसे हम एम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं सो वी फॉर स्पीड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है सो दिस गिव मी एक्सेलरेशन तो ये मुझे दे देगी एक्सेलरेशन हम देखते हैं इंटरवल वन वन में मेरे पास क्या हो रहा है कि लेट मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया पोजिशन का सो हम इसे रेड पेन से डोनोट कर लेते हैं ठीक है दिस इज़ माई इनिशियल पोजिशन दिस इज़ माई फाइनल पोजिशन सो अगर मैं इसे ट्रेस करूँ अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस तो मेरे पास वर्टिकल एक्सिस में इतना चेंज आ रहा है सिर्फ इतना क्लियर अब इसी तरह मैं टू केस में देख लेता हूँ टू टाइम इंटरवल में यहाँ पे हम सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें मेरे पास इतना लेंथ आ रही है चेंज इन वर्टिकल एक्सिस मतलब चेंज इन स्पीड और डी में ऑलमोस्ट मेरे पास एक ही पॉइंट पे इसका इनिशियल और फाइनल आ रहा है कहीं यहाँ तक क्लियर सो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा टू इंटरवल है इसमें मेरे पास मैक्सिमम चेंज आ रहा है इन वर्टिकल एक्सिस सो मतलब निनोमिनेटर में मैक्सिमम चेंज आ रहा है फिलहाल जहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सो साइन डजेंट मैटर हालांकि इसका जो स्लोप मतलब जो चेंज इन वर्टिकल एक्सिस आ रहा है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी बट अभी यहाँ हम नेगेटिव को साइन को इग्नोर करके उसकी वैल्यू देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आएगी नेगेटिव आएगी बट सबसे ज़्यादा आएगी तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्लोप मेरी मैक्सिमम आ रही है स्लोप मीन्स एक्सेलरेशन मेरी मैक्सिमम आ रही है इन इंटरवल टू अब इसे हम वर्डिंग में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं सो so, एवरेज एक्सरेशन इन स्मॉल इंटरवल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इन दैट इंटरवल सो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज मैक्सिमम नेगेटिव आई है इन द इंटरवल टू देयर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सरेशन इज ग्रेटेस्ट इन इंटरवल टू तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सरेशन है वो मैक्सिमम होगी इन इंटरवल टू में अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इन विच इंटरवल इज़ द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट ठीक है अब हमें फाइंड करना है कि किस इंटरवल में एवरेज स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट तो हमें अब ग्राफ मालूम ही अपना कि मेरा ग्राफ जो दिया हुआ है वो दिया स्पीड वर्सेस टाइम में सो so, हमें फ़ाइंड क्या करनी है एवरेज स्पीड ऑफ इंटरवल वन सो मैं यहाँ से देखूँ ये मेरी इनिशियल थी ये फाइनल थी तो एवरेज मेरी यहाँ कहीं आ जाएगी इस पॉइंट पे सो so, यहाँ पे मेरी एवरेज कहीं इस पॉइंट पे आ जाएगी टू इंटरवल में और थ्री पॉइंट में मेरी एवरेज यहाँ आएगी पहले ऊपर जाएगा सो so, नीचे जाएगा सो so, एवरेज मेरी यहीं कहीं आ जाएगी सो so, आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं इनको अब स्पीड के लिए सो so, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ठीक है एवरेज मैक्सिमम स्पीड मेरी किस इंटरवल में आ रही है इंटरवल नंबर थ्री में तो हम इसे लिखेंगे कैसे इन इंटरवल थ्री इन इंटरवल थ्री ठीक है द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इज मैक्सिमम हमारे पास क्या जाएगी? Average speed की value maximum आ जाएगी एवरेज स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी फर्दर चूज करते हैं आगे गिव्स द साइन ऑफ स्पीड एंड एक्सरेशन इन थ्री इंटरवल्स वाट आर द एक्सलेशन एट पॉइंट ए बी सी डी सो हम फर्स्ट देख लेते हैं साइंस ऑफ बिलासटी एंड एक्सलेशन इन थ्री इंटरवल्स स्पीड सो देखिए मेरे पास फर्स्ट इंटरवल की स्पीड यहाँ पर आ रही थी एवरेज स्पीड और सेकेंड इंटरवल की एवरेज स्पीड यहाँ पर आ रही थी और थर्ड इंटरवल की एवरेज स्पीड यहाँ पर आ रही थी आप तीनों इंटरवल में देख लीजिए कि जो मेरी स्पीड है वो पॉजिटिव ही है ठीक है सो so, हम क्या कहेंगे द साइंस ऑफ स्पीड और वी इज़ पॉजिटिव इन ऑल द थ्री इंटरवल्स तो इसे हम रिटर्न कर लेंगे ऐसे द साइंस ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन ऑल द थ्री इंटरवल्स सो फर्दर अब एक्सरेशन देखते हैं सो so, हमने एक्सरेशन को स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था कि जो मेरा चेंज इन वर्टिकल एक्सिस था मतलब चेंज इन स्पीड वर्सेस चेंज इन टाइम इन हॉरिजोंटल एक्सिस सो ये हमें पहले ही कह दिया था कि ये तो भी फिक्सड रहेगा ठीक है फिक्स्ड और आप कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो इसकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी अब इसकी वैल्यू ही हमें बताएगी कि मेरा एक्सरेशन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और जस्ट की कितनी वैल्यू आ रही है सो so, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं फाइनल पोजीशन रखूँ वो इनिशियल पोजीशन से बड़ा ही आ रहा है सो so, ये टर्म पॉजिटिव ही आएगी सो so, मैं लिख दूंगा इन इंटरवल ए माई स्लोप इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव अब इंटरवल वी की तरफ देखते हैं तो अब इसकी जो इनिशियल कंडीशन है ठीक है पहले ये पॉइंट आएगा बाद में यही आएगा ना टाइम के अकॉर्डिंग सो इस पॉइंट पे मेरे पास वैल्यू ज़्यादा है इस पॉइंट पे फाइनल पे कम है अब फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आ जाएगी आप कोई भी एक रैंडम वैल्यू चूज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं तो नेगेटिव आएगी तो हैंस एट पॉइंट टू माई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी नेगेटिव अब पॉइंट थ्री पे देखते हैं सो so, अब पॉइंट थ्री पे मेरे पास क्या है ये दो पॉइंट है तो ये सेम ही पॉइंट है मतलब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू सेम आएगी ठीक so, है सो दिस इज माय इनिशियल वैल्यू फर्स्ट दिस इज माय फाइनल वैल्यू ठीक है आई और एफ इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू अब जब वैल्यू ही सेम है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करूंगी तो मेरे पास जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ मेरी स्लोप ज़ीरो आ रही है स्लोप ज़ीरो का मतलब कि मेरी एक्सरेशन भी यहाँ पे ज़ीरो है नो चेंज इन एक्सरेशन सो so, हम इनसे वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं सो so, अब इन द इंटरवल वन द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज पॉजिटिव हैं इंटरवल टू द स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज नेटिव हैंज नेगेटिव इन इंटरवल थ्री स्लोप हमारा जीरो के इक्वल गया था इसका क्या मतलब होता है पैर टू टाइम एक्सिस हैं मेरे पास जीरो है मतलब नो चेंज इन एक्सरेशन अब हम देखते हैं वाट आर द एक्सरेशन एट पॉइंट ए बी सी डी अब हमें सिर्फ पॉइंट्स दिए हुए हैं ध्यान से देखिए पॉइंट्स ए पॉइंट्स बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी की बात करें जो यहाँ पे सेंटर में है अब जब भी हमें पॉइंट गिवन्स हो तो हम क्या कहते हैं कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके देख लीजिए ठीक है जैसे हमने पहले रूल फाइंड किया था डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट पार्टिकल के डायरेक्शन के इक्वल होगी सो so, जैसे हमने ये पहले कंसेप्ट किया था पिछले न्यूमेरिकल्स में सो ये हमने डी एक्स बाई डी टी एक स्लोप दिखा रहा है इसे हम एफ एक्स एफेक्ट से भी डिनोट कर देते हैं सो so, जब भी मेरी जो टेंजेंट होगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड कह सकते हैं आप तो मेरे पास क्या कहते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन मेरा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे मतलब अगर मैं स्लोप ऐसे ड्रा करूँ तो इसका मतलब ये स्पीड इंक्रीज़ कर रही है सो so, पॉजिटिव अगर ये बिल्कुल ही ज़ीरो आ जाए मतलब पैरलर हो जाए तो हम कह देते हैं नो चेंज सो स्टार्ट करते हैं एक्सरेशन uh, की वैल्यू फाइंड करने पे ए बी सी और डी पे सो so, स्टार्ट करें इन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सो so, यहाँ पे अगर मैं अगर मैं ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करूँ टेंजेंट क्या मतलब होता है जो सिर्फ उसे एक पॉइंट पे ही टच करे तो मोशन इस तरफ जा रहा है तो इट इज बिकम पैरलर टू टाइम एक्सिस इसी तरह अगर मैं बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ तो ये भी मेरे पास पैरलर टू टाइम एक्सिस आ रही है इसी तरह से अगर मैं सिर्फ सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूँ तो ये भी मेरे पास पैरलर टू टाइम एक्सिस आ रही है इसी तरह से अगर मैं डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूं तो ये भी मेरे पास पैरलर टू टाइम एक्सिस आ रही है हमने अभी पढ़ा था जब पैरलर टू टाइम एक्सिस हमारी टेंजेंट आ जाए और ये आप कह सकते हैं स्लोप आ जाए कि स्लोप है जो वो पैरलर है इसकी स्लोप भी पैरलर है सी पॉइंट की स्लोप भी पैर और डी पॉइंट की स्लोप भी पैरलर टू टाइम एक्सिस तो हम क्या कहेंगे मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू माई एक्सेलरेशन की वैल्यू ठीक है एक्सरेशन इन पॉइंट्स हम कह सकते हैं ए बी सी डी इस ज़ीरो सभी में मेरी एक्सरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो